नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एंकल फ्रैक्चर्स के बारे में ये एपिसोड थ्री है तो सीटी स्कैन की इंडिकेशंस क्या होती है ट्राइमेल्यूलर एंकल फ्रैक्चर ये ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए यूजफुल होता है 25% परसेंट सर्जन ऑपरेटिव uh, टेक्निक चेंज करते हैं सीटी स्कैन की इमेजेस देखने के बाद असेस करना चाहिए मॉर्फोलॉजी पोस्टीरियर मैल्यूलस का सुपेनेशन एडक्शन इंजरी हो तो असेस करना चाहिए मीडियल इंपैक्शन ऑफ टिबियल प्लेटफॉर्म सी स्कैन की व्यूज देखे तो एक्सियल और सजाइटल व्यूज मोस्ट यूजफुल होती है टू असेस पोस्टीरियर मैल्यूलस फ्रैक्चर फाइंडिंग्स में साइज और शेप देखना चाहिए पोस्टीरियर फ्रैगमेंट का एंट्रैप्ट लूज फ्रैगमेंट्स देखने चाहिए इंपैक्शन है कि नहीं कॉम्बिनेशन है कि नहीं ये सब देखना चाहिए एम के इंडिकेशन होते हैं टू इवेल्युएट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या कार्टिलेजनस इंजरी फाइंडिंग्स होते हैं डेल्टॉइड इंजरी सिंडेसमोटिक इंजरी लैटरल एंकल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स इंजरी पेरोनियल टेंडन इंजरी और कॉन्ड्रल लीजन स्टेलस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है एंकल स्प्रेन पेशेंट वजन दे सकता है बॉडी पे लेकिन एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट या टेलर टिल टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है रेडियोग्राफ्स फ्रैक्चर uh, नहीं दिखाते सिंडस्मोटिक इंजरी में पॉजिटिव हॉपकिस क्वीज टेस्ट होता है इंक्रीज मीडियल क्लियर स्पेस या टिबियोफिबुलर डायस्टेसिस होता है ऑन स्ट्रेस साइन दिखता है ऑन एम आर आई एच एल एस टेंडन रपच्चर भी हो सकता है पैल्पेबल गैप होता है एच एल एस टेंडन के ऊपर इनएबिलिटी या वीकनेस होता है प्लांटर फ्लैक्शन का इंक्रीज रेस्टिंग डोर्सी फ्लैक्शन होता है वेन प्रोन और नी बेंटो पॉजिटिव थॉमसन टेस्ट होता है फिर पायलॉन फ्रैक्चर भी हो सकता है ये आई एनर्जी एक्सेल रोड से होता है सिग्निफिकेंट आर्टिकुलर इन्वॉलमेंट होता है सीटी शो करता है चार कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ पायलॉन फ्रैक्चर शपूर्ट फ्रैगमेंट वोकमेन फ्रैगमेंट मीडियल और सेंट्रल सब टेलर डिसलोकेशन भी हो सकता है हाई एनर्जी इंजरी से होता है एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू अगर इंजरी अगर हो ट्वेंटी फाइव परसेंट ओपन फ्रैक्चर्स में होता है एक्सरे दिखाता है डिसलोकेशन टेलर्स का फ्रॉम कैल्केनियस या नेविकुलर बोन ट्रीटमेंट देखें एंकल फ्रैक्चर्स की तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की इंडिकेशन होती है स्टेबल एंकल फ्रैक्चर आइसोलेटेड स्टेबल मीडियल मैल्युलस फ्रैक्चर आइसोलेटेड स्टेबल लैटरल मैल्युलस फ्रैक्चर एवलजन टिप फ्रैक्चर मीडियल या लैटरल मैल्यूलस का पोस्टीरियर मैल्युलस फ्रैक्चर जिसका 25 परसेंट से कम जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो या लेस देन 2 एम स्टेप ऑफ हो या पेशेंट अनफिट हो सर्जरी के लिए मोडेलिटीज होती है शॉर्ट लेग एओ स्प्लिंट शॉर्ट लेग कास्ट या कैम बूट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में जनरली ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं जरा भी टेलर्स डिस्प्लेसमेंट हो बाय मैलियोलर या बाय मैलियोलर इक्विवेलेंट फ्रैक्चर हो पोस्टीरियर मैलियोलस फ्रैक्चर विद मोर देन 25% इन्वॉल्वमेंट या मोर देन 2 एमएम स्टेप ऑफ मैसनई फ्रैक्चर बोस्वत फ्रैक्चर डिसलोकेशन ओपन फ्रैक्चर सिमटोमेटिक मैल्यूलर नॉन स्टेबल एनाटॉमिक रिडक्शन मिले विद रेस्टोरेशन ऑफ मोर्टिस पोजिशनिंग सुपाइन होती है डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं मीडियल और लैटरल मैल्यूलर फ्रैक्चर्स के इनडिरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं पोस्टीरियर मैल्युलस का सिंडेसमोटिक फिक्सेशन अगर जरूरत है तो करते हैं प्रोनियल या पोजीशन फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ पोस्टीरियर मैल्योलस अप्रोच होता है डायरेक्ट लेटरल अप्रोच टू फिबुला। सिंडेस्मोटिक फिक्सेशन भी इसके द्वारा कर सकते हैं पोस्टीरैटरल अप्रोच टू एंकल होता है अगर कॉन्कोमेटेंट एक्सेस चाहिए तो पोस्टीरियब्य एंड पोस्टीरियर मैल्योलस ये प्रोन या लेटरल पोजिशन में करते हैं पोस्टीरो मीडियल अप्रोच होता है एंकल का टू एक्सेस मीडियल मैल्यूलस एंड पोस्टीरियर मैल्यूलस डायरेक्ट मीडियल अप्रोच टू एंकल कॉमन अप्रोच है फॉर मीडियल मैल्यूलस ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन तो आउटकम्स देखें तो ओवरऑल सक्सेस रेट 90 परसेंट होता है प्रोलॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड होता है टू ईयर्स टू ऑबेन फाइनल फंक्शनल रिजल्ट स्पेशली इन एथलीट्स एनाटोमिकल रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सेटिस्फैक्ट्री आउटकम एक मिलीमीटर शिफ्ट ऑफ टेलर्स भी 42 परसेंट डिक्रीज करता है टीबीओ टेलर एरिया और फ्यूचर में आथराइटिस हो सकता है वर्स्ट आउटकम्स एसोसिएटेड होते हैं विद डिक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन स्मोकिंग यूज, प्रेजेंस ऑफ मीडियल मैल फ्रैक्चर। तो एक्सटर्नल फिक्सेशन के इंडिकेशन क्या है अगर प्रोसीजर को स्टेज करते हैं जैसे कि सीवियर ओपन फ्रैक्चर है विद ग्रॉस कंटेमिनेशन या पुअर सॉफ्ट टिश्यू रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग अनस्टेबल रिडक्शन तो मोडालिटीज होती है एंकल स्पैनिंग एक्सटर्नल फिक्सेटर या सर्कुलर फ्रेम या हाइब्रिड फ्रेम आउटकम्स में लोअर रिस्क ऑफ रीडिसलोकेशन होता है और स्किन कॉम्प्लिकेशन एंकल फ्रैक्चर में वर्सेज स्प्लेंट तो कॉम्प्लिकेशंस देखें तो नॉन ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अल्सरेशन फ्रॉम कास्ट डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन मैल यूनियन पोस्ट ट्रोमैटिक आर्थराइटिस लेटर ऑन इन लाइफ डीप बेन थ्रोम्बोसिस फाइव परसेंट में और एंकल स्टिफनेस इन सम पेशेंट्स प्रोग्नोसिस देखें तो एक्सेलेंट है स्टेबल एंकल फ्रैक्चर्स आउटकम्स फॉलोइंग ऑपरेटिव ट्रीटमेंट बहुत फेवरेबल है और रिस्क फैक्टर्स फॉर एडवर्स आउटकम है ओल्डर एज ऑस्टियोपोरोसिस डायबिटीज पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज फीमेल पेशेंट्स स्मोकिंग एल्कोहल यूज और लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद